इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में कॉडी रोड ब्रॉक लेसनर को रुलाएंगे खून के आंसू। जैसा कि आप सभी को पता है कि रसलमेनिया 39 के खत्म होने के बाद कॉडी रोड की स्टोरी लाइन को ब्रॉक लेसनर की तरफ कर दिया गया और इस स्टोरी लाइन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए ब्रॉक लेसनर अपना हिल टर्न करते हुए कॉडी रोड को फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही बुरी तरीके से खून के आंसू रुला दिए और इसी का बदला लेने के लिए द अमेरिकन नाइटमेयर पिछले हफ्ते अधमरी हालत में ब्रॉक लेसनर को रिंग में बुलाने की काफी कोशिश करी। इसके बाद एडम पेयर रिंग में आकर कॉडी रोड को मेडिकली फिट ना होने की वजह से कॉडी रोड को रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन तभी अचानक से ब्रॉक लेसनर द अंडरटेकर के अवतार में एक धमाकेदार एंट्री करी और कॉडी रोड ब्रॉक लेसनर को देखकर और भी ज्यादा बौखला गया। कॉडी को सिर्फ अपना पुराना बदला लेना था, इसीलिए वो ब्रॉक लेसनर को देखकर उस पर हमला करना चाहा, लेकिन सारे सिक्योरिटी गार्ड ने कॉडी रोड को रोक लिया, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर कॉडी को इस हालत में देखकर एक स्माइल देकर वहां से चले गए और कॉडी रोड ब्रॉक लेसनर का सारा गुस्सा सिक्योरिटी गार्ड पर उतार दिया। मैं आपको बता दूं कि WWE ने यह ऑफिशियली अनाउंस किया है कि आने वाले PPV के बैकलेस में द बिस्ट ब्रॉक लेसनर कॉडी रोड का सामना करेंगे और हो सकता है कि कॉडी रोड ब्रॉक लेसनर पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे। अब देखना ये होगा कि कॉडी रोड क्या सच में ब्रॉक लेसनर का सामना कर पाएंगे। आपको क्या लगता है आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा।